Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of January week 4. आज हम लोग बात करने वाले हैं January week 4 के important current affairs पर. अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो भी additional information आप लोगों को दी जा रही है उस additional information को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है. ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले न्यूज़ के साथ. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब हम बात करते हैं जनवरी के वीक फोर का इम्पॉर्टेंट पहला न्यूज़. देखिएगा, न्यूज़ है हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक हैज़ इंट्रोड्यूस अ स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म. पहले तो एक प्लेटफॉर्म था स्वयं प्लेटफॉर्म और अब आया स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्वयं है क्या और स्वयं प्लस क्या है? कुछ नहीं है, उसी का ये एडवांस वर्जन है. पहले तो याद रखो ये स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, किस पर्पस के लिए इस प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था. पर्पस इसका पर्पस था कि हमारे देश में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सके. ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म लाया गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज हैं और आप फ्री में इन कोर्सेज में एनरोलमेंट करा सकते हैं. बिना किसी पैसा दिए, बिना किसी भी टाइप से आपको कोई मनी दिए, आप फ्री में बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है. बट अगर आप उन कोर्सेज का सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट होगा. एग्जाम के चार्जेस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं. अगर उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा. मतलब कोर्स करने का कोई पैसा नहीं है इस स्वयं प्लेटफॉर्म पर. बट अगर कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो सर्टिफिकेशन के चार्जेस हैं अप्रोक्सीमेटली 1,000-2,000 रुपीज, वो कोर्स के सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं. ठीक है, पता चल गया फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन लेने का प्लेटफॉर्म स्वयं हमारे देश की गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2017 में स्टार्ट किया था. स्वयं की फुल फॉर्म, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये आप लोगों को पता चल चुका है स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं जो 2017 में शुरू हुआ था और अब हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, इसी का ही एडवांस वर्जन, जिसका मेन मोटिव है जो ऑनलाइन एजुकेशन में और नए नए कोर्सेज को इसमें ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. According to the new education policy 2020 में और जो भी नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग नए नए कोर्सेज इसमें लॉन्च कर दिए गए हैं. बेसिकली ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारा सीधा का सीधा एम्प्लॉयमेंट के साथ, हमारी स्किल्स के साथ रिलेट करते हैं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके इन कोर्सेज को करने के बाद. ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे देश में अभी हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है. पहले स्वयं था, उसी का ही एडवांस वर्जन स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म आया है. क्लियर है, समझ गए? अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं. एक तो स्वयं और दूसरा कौन सा है? स्वयं प्लस, उसी का एडवांस वर्जन है. ठीक है, अब एक नया प्लेटफॉर्म, नया तो नहीं पुराना ही कह सकते हैं, एक इसी के साथ ही एक प्लेटफॉर्म आया था स्वयं प्रभा. कौन सा था? स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा एक D2H चैनल है जो हमारे सारे टीवीज पर फ्री में अवेलेबल होता है. स्वयं प्रभा, स्वयं क्या था? ये तो ऑनलाइन चैनल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसके लिए तो आप लोगों को मोबाइल में इंटरनेट चाहिए होगा, तब जाकर वो प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज को देख सकेंगे. लेकिन अब जिनके पास मोबाइल नहीं, जिनके पास मोबाइल में जो है इंटरनेट नहीं, उनके लिए लेकर आए थे स्वयं प्रभा. ये एक D2H चैनल है, ऑनलाइन सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जितने भी आपके पास केबल टीवी हैं, विदाउट एनी चार्जेस, अगर आपके घर डिश लगी हुई है तो विदाउट एनी चार्जेस आप इस स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म पर D2H चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं.
यहाँ पर भी अलग अलग कोर्सेज आपको फ्री में पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग एजुकेशन के अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक स्वयं है, एक स्वयं प्रभा है। स्वयं क्या है? एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। और स्वयं प्रभा क्या है? एक डीटीएच चैनल है। ठीक हो गई बात? डीटीएच चैनल है स्वयं प्रभा, और स्वयं क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अलग अलग कोर्सेज करने के लिए। क्लियर है? और अभी जो न्यूज है जनवरी के लास्ट वीक का, वो क्या है कि स्वयं के अंदर स्वयं प्लस हो चुका है। अब वो उसके अंदर नए नए कोर्सेज को और ऐड कर दिया गया है, जो कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। और हमारा न्यूज नंबर टू क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। ये आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है ये वाला न्यूज, बस उसी को ही थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा। तो ये हमारा जो न्यूज है वो है जापान के साथ होने वाली हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अभी हाल ही में जापान के साथ जो कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 25th ऑफ फरवरी से लेकर 9th मार्च तक होगी, ये अनाउंस हुआ जनवरी के 4th वीक में। ठीक हो गई बात? कौन सी एक्सरसाइज है? धर्मा गार्डियन। और हमने प्रीवियस क्लास में याद किया था धर्मा गार्डियन के साथ बाकी और तीन और एक्सरसाइजेज है जो इंडिया और जापान के साथ होती हैं। ठीक है, पहले तो ये याद रखो धर्मा गार्डियन कहां पर होने वाली है। आपका आंसर होगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। इसका कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। कौन सी एक्सरसाइज है? धर्मा गार्डियन। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, तो अब हम याद करते हैं जापान और इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। सर, जापान और इंडिया के साथ हमारी जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, उनके सारों के नाम देखें भाई। चलो ध्यान से समझना है। एक तो आती है हमारी जाइमेक्स, JIMEX, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जाइमेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, जापान के लोग धर्म की रक्षा करते हैं, जापान के लोग धर्म की रक्षा करते हैं, तो ये याद रखो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किसके साथ होती है? जापान के साथ। जापान के लोग सदा लंबी आयु के होते हैं, चिरायु, SHINYU, शिनायु मैत्री, चिरायु होते हैं ना लंबी आयु वाले, तो याद रखो शिनायु मैत्री एक्सरसाइज भी इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? जापान के साथ। तो तीन पता चली कौन कौन सी, जाइमेक्स, दूसरी कौन सी पता चली, धर्मा गार्डियन, तीसरी कौन सी पता चली, शिनायु मैत्री, और उसके साथ साथ एक और है सहयोग कैजिन। क्या नाम है? सहयोग। जापान के लोग धर्म की रक्षा करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो हमारी जो चौथी एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती है उसका नाम क्या है? सहयोग कैजिन। एक सेकेंड, सहयोग, SHYOG, सहयोग कैजिन एक्सरसाइज। तो ये आप लोगों को याद रखना है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सहयोग कैजिन। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती है, आप कहोगे चार। कौन कौन सी? जाइमेक्स, धर्मा गार्डियन, शिनायु मैत्री, सहयोग कैजिन। शिनायु मैत्री, सहयोग कैजिन, धर्मा गार्डियन और जाइमेक्स। ठीक है, लेटेस्ट में कौन कौन सी हुई? एक तो हुई धर्मा गार्डियन, ये हुई मार्च में, फरवरी से शुरू होकर मार्च में। धर्मा गार्डियन कहाँ पर हुई? राजस्थान में, 5th एडिशन था। उसके साथ साथ हमारी ये भी एक्सरसाइज जो हमारी सहयोग कैजिन एक्सरसाइज है, सहयोग कैजिन, ये कहाँ पर हुई है? 20th एडिशन था। ये अभी हाल ही में कौन से प्लेस पर हुई है? देखिएगा, इंडियन एंड जापान की कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज तमिलनाडु चेन्नई के अंदर अभी हाल ही में हुई है। क्लियर है? और उसके साथ साथ इसका नाम आप लोगों को याद है शिनायु मैत्री, और उसके साथ साथ ये भी नाम आपको याद है जापान के साथ जाइमेक्स। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, जापान के साथ एक हो गई जाइमेक्स, एक हो गई हमारी कौन सी, शिनायु मैत्री।
ठीक है, नाम याद रखिएगा, शिनायु मैत्री, और एक और कौन सी है, ये हमारी सहयोग कैचिन है, और एक और कौन सी है, धर्मा गार्डियन। ये चारों की चारों एक्सरसाइज इंडिया की जापान के साथ होती है। एक्सरसाइज क्या होती है बताया था ना फर्स्ट क्लास में, जब दोनों देशों की सेनाएं आपस में एक जगह इकट्ठे होती हैं और अपनी शक्ति का, अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं। अपनी पावर का प्रदर्शन करने का मेन रीज़न ये है कि अगर हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ खड़े हों, उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके साथ खड़े हों। तो एक दूसरे के साथ डिफेंस रिलेशन को बूस्ट करने के लिए हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की नेवी, हमारे देश की एयरफोर्स, ये तीनों की तीनों डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेस करती हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट पता चल गया जो जापान से रिलेट करता हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। चलें, क्लियर है ना? ये वाला रिवाइज करवाया जापान वाला, चारों की चारों एक्सरसाइज प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप लोगों को बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ये लीजिएगा नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारा आता है CBFC। तुम्हें पता है कि इंडिया में जितने भी मूवीज होती हैं, मूवीज को सर्टिफिकेशन कौन देता है? मूवी को पास करने का काम आप कहोगे सेंसर बोर्ड। बिल्कुल सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड का दूसरा नाम क्या है सर? आप कहोगे CBFC। याद रखो, हमारे देश में मूवीज का रेगुलेटर कौन है? जैसे बैंक्स का रेगुलेटर RBI, शेयर मार्केट का रेगुलेटर SEBI, वैसे ही हमारे देश में मूवीज का रेगुलेटर कौन होता है? CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके चेयरमैन प्रसून जोशी हैं। क्या नाम है? प्रसून जोशी, जिसके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। CBFC इसका नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम सेंसर बोर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, मतलब न्यूज क्या है? हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि बनाने वाले हैं रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर। रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर का, किसका? CBFC का, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में CBFC का रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है जनवरी के फोर्थ वीक का, कि हमारे देश के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है चंडीगढ़ में CBFC का रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर कहां पर बन रहा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है, वही चंडीगढ़। किसका रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है? CBFC का। CBFC जो हमारे देश में मूवीज को कंट्रोल करता है, मूवीज को स्टैंप लगाता है, मूवीज को कह सकते हैं कि अप्रूवल देता है, वही CBFC जिसके चेयरमैन का नाम प्रसून जोशी, मुंबई महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर है। चंडीगढ़ की बात चल रही है। चंडीगढ़ के बारे में एक और बात, इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर भी बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर भी चंडीगढ़ में बन रहा है। चंडीगढ़ अभी हाल ही में बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला था स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में बेस्ट यूनियन टेरिटरी बनी थी चंडीगढ़। उसके साथ साथ ये हमें चंडीगढ़ के बारे में ये सारे न्यूज पता चले, तीनों के तीनों, ध्यान से समझिएगा। एक नया, बाकी दो पुराने थे चंडीगढ़ से रिलेटेड न्यूज। पहला, चंडीगढ़ के अंदर CBFC का रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। प्रसून जोशी CBFC के चेयरमैन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चंडीगढ़ से रिलेटेड दूसरा न्यूज, इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर भी बन रहा है। चंडीगढ़ से रिलेटेड तीसरा न्यूज, चंडीगढ़ बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में। चंडीगढ़ को बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात कर देते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज की ओर। एक बार यहां से आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद ना जब भी आप PDF को रिवाइज करेंगे, PDF को रिवाइज करते सारी आपके माइंड में ये सारी की सारी चीजें एक बार दोबारा से रिकवर हो जाएगी, और एग्जाम टाइम में जब भी ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आप लोगों को आसानी से उस पर क्लिक करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा, सिक्किम के अंदर पहला रेलवे स्टेशन बना। सिक्किम के अंदर देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन एट रंगपो। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई फर्स्ट टाइम हो रहा होता है, जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई काम हो रहा है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है। क्या चीज फर्स्ट टाइम की बात चल रही है? सिक्किम के अंदर पहला बनाया जा रहा है हमारा रेलवे स्टेशन। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है, सिक्किम का पहला जो रेलवे स्टेशन है वो है रंगपो रेलवे स्टेशन। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन, जिसका फाउंडेशन स्टोन अभी नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, जो सिक्किम की जो कल्चरल हेरिटेज को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 4084 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 2010 में मिला था, उम्मीद थी 2015 तक पूरा हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया। 2024 में ये पूरा होने की उम्मीद है, 2024 दिसंबर में ये पूरा उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा, जिसकी कोस्ट 12474.07 करोड़ रुपीस होने वाली है। सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन, याद रखो, सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन रंगपो, सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन रंगपो, जिसकी नींव अभी हाल ही में किसने रखी है? नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। क्लियर है, बात किसकी चल रही है? सिक्किम की। तो अब आप लोगों से बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। सर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज और हो सकते हैं? एक तो सिक्किम अभी हाल ही में कूलेस्ट डेस्टिनेशन बना है टू विजिट इन 2024 इन इंडिया। इंडिया में घूमने के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस में सिक्किम शामिल हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ सिक्किम इंडिया का पहला पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम बना था। कूलेस्ट डेस्टिनेशन इन 2024 ऑफ इंडिया वो सिक्किम बना था। और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो, क्या नाम है? रंगपो रेलवे स्टेशन, जिसकी नींव नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में रखी है। क्लियर है? ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत बहुत आराम से आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि किसी भी टाइप से कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है, देखना है बहुत ही ध्यान से। द नेक्स्ट न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट हरियाणा की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सवेरा प्रोग्राम शुरू किया है। सवेरा प्रोग्राम की शुरुआत की है, ताकि अर्ली डिटेक्शन किया जा सके और प्रिवेंशन किया जा सके ब्रेस्ट कैंसर को। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाली एक बहुत ही कॉमन डिसीज आज के टाइम में हो चुकी है, जिस कारण से इसको पहले से ही अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो आने वाले टाइम में दिक्कत ज्यादा नहीं होने वाली होती है, जिस कारण से सवेरा प्रोग्राम अभी हाल ही में किसने शुरू किया है? योर आंसर इज हरियाणा। सवेरा प्रोग्राम किसने शुरू किया? हरियाणा, टू प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, उसका अर्ली डिटेक्शन करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए सवेरा प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? हरियाणा ने। ठीक है, फिर हरियाणा के बारे में एक न्यूज से काम नहीं चलेगा। सर और क्या क्या चल रहा था हरियाणा के बारे में, क्या क्या जानना है? हरियाणा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या तुमने सुना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इंडिया में है? नहीं है। IMF का इंडिया में है? नहीं है। ADB का, ब्रिक्स का, सारों के बाहर है, लेकिन इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। याद रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है, किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, फर्स्ट में पढ़ाया था ना जनवरी के फर्स्ट वीक में, 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है।
उसके साथ साथ ये सारे पॉइंट हरियाणा से रिलेट कर रहे थे। दोबारा से सुनिएगा। पहला पॉइंट, सवेरा प्रोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशन देने के लिए सवेरा प्रोग्राम हरियाणा ने शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की बात चल रही है, अब तो चेंज हो गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये उस समय जब जनवरी था तो जनवरी में तो यही थे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलो अब बात क्या चल रही है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो उस समय थे उन्होंने सवेरा प्रोग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन करने के लिए, किसका, ब्रेस्ट कैंसर का। ओके, उसके साथ अब कौन है हरियाणा के सीएम, नायब सिंह सैनी, ठीक है। चलो उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेडक्वार्टर हरियाणा में है, इंटरनेशनल सोलर लाइंस का हेडक्वार्टर हरियाणा में है, नाइन्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ है। क्लियर, चलो सारे पॉइंट क्लियर है, अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगला आता हमारा ओडिशा। ओडिशा ने एक योजना शुरू करी थी 2018-19 में और बहुत फेमस हुई, जिस स्कीम का नाम था कालिया, इसको 3 साल और बढ़ा दिया गया है। कौन सी स्कीम है, कालिया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई कालिया स्कीम कौन सी स्टेट की है, योर आंसर इज ओडिशा। कालिया की फुल फॉर्म कृषक, मतलब किसान, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो कालिया स्कीम जो 2018-19 में जो ओडिशा है, ओडिशा की सरकार ने शुरू की थी, अब उसको 3 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। सर इसमें होगा क्या, इस स्कीम में किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं, 10,000 रुपीज सालाना दिए जाते हैं। अब आप कहोगे सर एक और योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सेंटर की है उसमें 6,000 दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये देख लो यहाँ पर, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी अभी हाल ही में 5वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5th एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाई गई है, जिसमें कितना कितना पैसा दिया जाता है, 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर। अब उसी योजना को ही आगे और बढ़ा दिया इन्होंने, इन्होंने कहा देखो 6,000 तुम्हें देगा कौन, सेंटर गवर्नमेंट, 4,000 हम देंगे, ओडिशा कहता है टोटल मिलाकर 10,000 मिलेंगे आपको, कौन सी योजना में, कालिया स्कीम के अंदर। तो कालिया स्कीम के अंदर किसानों को कितना पैसा मिलता है, 10,000 मिलता है। कालिया स्कीम कौन से स्टेट की है, ओडिशा की है। कालिया की फुल फॉर्म क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ठीक है। कालिया स्कीम कौन से स्टेट की है, ओडिशा। कालिया की फुल फॉर्म क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। कालिया स्कीम में कितना पैसा मिलता है, 10,000 सालाना ईयरली किसानों को, जिस 10,000 में 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का है, 4,000 वहां की स्टेट गवर्नमेंट देती है, टोटल 10,000 मिलता है। कौन सी स्टेट में, ओडिशा में। ओडिशा से रिलेटेड बाकी और पॉइंट्स, ओडिशा में एक फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, फेस्टिवल का नाम है राजा फेस्टिवल या राजा प्रभा फेस्टिवल। तो नाम याद रखना है, राजा फेस्टिवल या राजा प्रभा फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं, आपका आंसर ओडिशा में। ओडिशा में अभी हाल ही में वाटर बॉडीज के लिए, अर्बन वाटर बॉडीज की डेवलपमेंट करने के लिए अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत हुई थी। अम्मा पोखरी योजना ओडिशा ने शुरू किया था। ओडिशा की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है कुई लैंग्वेज। कुई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे देश का संविधान, जिसके अंदर 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस आती हैं। अब एक नई शामिल करने वाले हैं, हुई नहीं है अभी, करने वाले हैं, उसको अभी हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है, एक नई शामिल करने वाले हैं, 23 हो जाएगी, वो 23वीं लैंग्वेज कौन सी होने वाली है, कुई। कुई लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने वाली है। कुई लैंग्वेज कौन से स्टेट की है, आपका आंसर क्या है, ओडिशा। तो ये लीजिएगा, ओडिशा को दोबारा रिवाइज करते हैं। कालिया स्कीम ओडिशा,
कालिया स्कीम में कितना पैसा? 10,000। उसके साथ साथ राजा प्रभा फेस्टिवल ओडिशा, उसके साथ साथ अम्मा पोखरी योजना वाटर बॉडीज के लिए ओडिशा, ओडिशा की जो कुई लैंग्वेज है उसको संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं। 8th शेड्यूल में पहले 22 लैंग्वेजेस थी, अब एक नई और इंक्लूड करके 23 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है? हाँ भाई, जल्दी से अपने माइंड में ही आंसर दे लो, क्या ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? कईयों को ऐसा लग रहा होगा इतनी सारी चीजें, हम इतनी सारी चीजों को कैसे पढ़ेंगे, याद कैसे रखेंगे? मेरा वही आंसर बार बार है, ये टेंशन नहीं लेनी है, इतनी सारी चीजों को बार बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज मैं बार बार अपने आप ही करवा रहा हूँ, आपका टाइम एग्जाम का आ ही चुका है ये लगा लो, ठीक है? तो वो बार बार रिवाइज जो करते चले जाएंगे एग्जाम में ऑप्शन देखकर, उसका याद होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा ये गुजरात। गुजरात की बात करें, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। सेतु पता ना, ब्रिज। ये एक सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। केबल स्टेट पता है ना, तारों के ऊपर टिका हुआ एक ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। हो गया, ये जो है वो सबसे लंबा इंडिया का केबल स्टेट ब्रिज है, जिस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, जिसका इनोग्रेशन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो ब्रिज ओका ओखा ओखा मेनलैंड से भेट द्वारका तक जाएगा, ओखा मेनलैंड से भेट द्वारका तक जाएगा। जो लोग द्वारका से भेट द्वारका जाते थे, अगर कोई वहां पर गया ना तो उन्हें पता होगा, एक ना गुजरात में द्वारका है, द्वारका तो है समुद्र के बाहर, और एक है भेट द्वारिका जो समुद्र के अंदर है, जिसको अभी घूमने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था वहां पर, ये वाला न्यूज पढ़ाया था कि इंडिया का पहला पहला सब मैरीन टूरिज्म फैसिलिटी अभी वहां पर शुरू हुई थी गुजरात में भेट द्वारका में, कि समुद्र के नीचे जाकर जो असली द्वारिका समुद्र में जलमग्न हो चुकी है, समुद्र में ही जा चुकी है, उसके दर्शन करवाते हैं, ठीक है? और जो अंदर है उसके दर्शन करवाए जाते हैं भेट द्वारका में। एक द्वारका है जो बाहर है, भेट द्वारका जो समुद्र के अंदर है। समझ में आ गया? वहां पर टूरिज्म शुरू हुआ था, इंडिया का पहला पहला सब मैरीन टूरिज्म, कि पनडुब्बी के थ्रू सब मैरीन के थ्रू अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है? चलो तो वहीं पर ही अभी हाल ही में सुदर्शन सेतु बना है, जो इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, जिसकी कोस्ट 980 करोड़ है, जिसका इनोग्रेशन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है? उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी गुजरात गए हुए थे, और गुजरात के अंदर पहला पहला एम्स राजकोट में खोला गया, पहला पहला एम्स राजकोट में खोला गया, इसका उद्घाटन भी कर कर आए नरेंद्र मोदी जी। एम्स राजकोट याद रखना है, एम्स राजकोट का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी में किया है। क्लियर है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर कर आ गए, एम्स राजकोट का उद्घाटन कर कर आ गए, इंडिया की पहली सबमरीन टूरिज्म शुरू कर कर आ गए। कौन? नरेंद्र मोदी जी। कहां पर? गुजरात में, ठीक है? गुजरात के बारे में हमें यह भी पता है कि इंडिया की पेट्रो कैपिटल डिक्लेयर हो चुकी है गुजरात। इंडिया की पेट्रो कैप पुराना न्यूज है, पढ़ा रखा है, इंडिया की पेट्रो कैपिटल डिक्लेयर हो चुकी है गुजरात के अंदर। एक साथ बहुत सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, जो अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बना गुजरात का, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को पता है, ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद है। चले आगे चलिएगा, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, ये थोड़ा समझने वाला अब है। ओके, ध्यान पूर्वक सारी चीजों को समझना है और ध्यान देना है। चलिएगा अगले न्यूज की ओर चलते हैं, और हमारा अगला न्यूज क्या आता है देखो भाई, अगला न्यूज आता है, एट द रीसेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, जिसमें यूएई नाम का देश रिमूव हो चुका है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। पहले तो हमें ये नहीं पता ये है क्या, एफएटीएफ क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, इसको समझते हैं। देखो, एफएटीएफ ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये
इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस फ्रांस में, 1989 में ये बना था। क्या बना था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो वर्ल्ड लेवल पर टेररिज्म को फंडिंग जो होती है ना, टेररिज्म फंडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। टेररिज्म फंडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर यह ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी दो लिस्ट है, ये ना लिस्ट निकालता है। एक लिस्ट का नाम है ग्रे लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है ब्लैक लिस्ट। हमें ब्लैक लिस्ट तो सुना होगा, आप लोग अपने फोन में भी बहुत सारी गर्ल्स जो हैं बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर देती हैं, है ना? आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, सबको पता होगा। आजकल बॉयज भी ब्लॉक कर देते हैं, आजकल वो सिस्टम चला गया, सारे एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्लॉक करने का मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में किन लोगों को डाला जाता है? जो आपको कन्फर्म हो जाए कि बुरे हैं, कन्फर्म हो जाए। और ग्रे लिस्ट ऐसी होती है जिनके ऊपर शक हो रहा होता है, जिनका फोन आप उठाना जो है वो सोचते उठाए ना उठाए। ठीक है, अभी जिनके ऊपर शक है वो ग्रे लिस्ट में होते हैं। ब्लैक लिस्ट में जो कंफर्म हो गए कि हमारे लायक नहीं है या हम उनके लायक नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, वो जाते हैं ब्लैक लिस्ट में। ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी करता है, ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को डालता है जिनके ऊपर अभी शक है, जिनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है कि वो टेररिज्म फंडिंग में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। अगर उनके ऊपर शक है, कड़ी निगरानी रखनी है, तो वो कौन से लिस्ट में आते हैं? वो आते हैं ग्रे लिस्ट में। जिनका कंफर्म हो जाए कि भाई यहाँ पर तो गड़बड़ी है, जो कंफर्म हो जाए कि भाई ये तो गलत ही है, तो वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं। समझ में आ गई बात? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, 1989 में बना था। ठीक है, तो ये एक लिस्ट, दो लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में कौन से देश आते हैं? जिनके ऊपर शक है। ब्लैक लिस्ट में आते हैं जिनका कंफर्म हो चुका है कि वो टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं, वो ब्लैक में आ जाते हैं। तो अभी हाल ही में न्यूज क्या है, इसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में डिसाइड हुआ, यूएई नाम का देश पहले ग्रे लिस्ट में आता था, उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। यूएई तो पता है ना, यूएई के ऊपर पहले शक था, अब वो शक जो है वो दूर हो गया, शक दूर होने पर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। अगर वो शक कंफर्म हो जाता तो उसको ग्रे से उठाकर ब्लैक में डाल देते। समझ गए ना, अगर वो शक कंफर्म हो जाता तो उसे ग्रे से उठाकर ब्लैक में डाल देते। अभी शक था तो उसको ग्रे में डाल दिया था, अब उसको ग्रे से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यूएई के साथ साथ जिब्राल्टर, बारबाडोस एंड युगांडा, इनको भी हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से, इनको भी हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से। तो ये चार देश ऐसे हैं, जिब्राल्टर, बारबाडोस, युगांडा और यूएई, जो पहले ग्रे लिस्ट में आते थे उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। साथ साथ नामीबिया और केन्या, इनको, इनके ऊपर शक अब आने लगा है। नामीबिया और केन्या को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और जिब्राल्टर, बारबाडोस, युगांडा और यूएई, इनको निकाल दिया गया है। तो याद रखो, केन्या और नामीबिया को हटा दिया गया है, और यूएई, जिब्राल्टर, बारबाडोस और युगांडा को हटा दिया गया। ठीक है, तो अब आप कर लेते हैं, ये जो आप पूछोगे सर ये ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश आते हैं, ब्लैक लिस्ट में एक तो आते हैं कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके साथ ईरान और म्यांमार, ये तीन देश ब्लैक लिस्ट में आते हैं, जो कंफर्म है कि ब्लैक फंडिंग, जो टेररिज्म को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये तीन देश किस में आते हैं? ब्लैक लिस्ट में आते हैं। और ये बहुत सारे देश ग्रे लिस्ट में आ रहे हैं, ये देखो इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इतने सारे देश हैं जो ग्रे लिस्ट में आते हैं, जिनके ऊपर शक है कि वो टेररिज्म फंडिंग करते हैं। क्लियर है? तो इनके ऊपर शक है, ये तीन कंफर्म हो चुके हैं, और अभी हाल ही में यूएई ग्रे में आता था उससे बाहर कर दिया, जिब्राल्टर, बारबाडोस, युगांडा को भी बाहर कर दिया, केन्या और नामीबिया को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में आ यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो करंट अफेयर से दूर हैं,
तो जितना सिंपल हो सके उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों के साथ ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलोगे आगे अगले न्यूज पर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है, गीता बत्रा। गीता बत्रा अभी हाल ही में जो है न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बनी है। इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस आप लोगों को याद रखना है, छोटा सा याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तब भी ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता बत्रा अभी हाल ही में इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिसर बनी है वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में गीता बत्रा क्या बनी है, न्यू डायरेक्टर बनी है, न्यू इवेल्युएशन ऑफिसर बनी है। ठीक है, ऑफिस में डायरेक्टर बनी है। अब बात क्या चल रही है, वर्ल्ड बैंक, बस आप लोगों को बताना था ये हमारे वर्ल्ड लेवल पर ना ब्रिटन वुड्स नाम की एक जगह है, ब्रिटन वुड्स जो यूएसए में पड़ती है। ब्रिटन वुड्स में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना तो बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ था, बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ था, उसको ओवरकम कैसे किया जाए, ब्रिटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देशों का सम्मेलन हुआ था ब्रिटन वुड्स नाम की जगह यूएसए के अंदर पड़ती है। वहां पर जब सम्मेलन हुआ था तो उस समय कहा था कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेंगे वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान को ओवरकम करने के लिए। तो ब्रिटन वुड्स में दो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम था आईएमएफ। तो याद रखो वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिस कारण से इन दोनों को बोला जाता है ब्रिटन वुड्स ट्विंस। थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी रखा होगा आप लोगों ने, ब्रिटन वुड्स ट्विंस कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, दोनों का हेडक्वार्टर यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होती है। तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है दोनों का, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, दोनों को ब्रिटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में इवेल्युएशन ऑफिस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बनी है, नई डायरेक्टर कौन बनी है इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस में, वो गीता बत्रा बनी है। बस चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। आरबीआई, आरबीआई ने अपनी अभी हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया। क्या बनाया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए 26th ऑफ फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये वीक मनाया गया, जिसका थीम मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ये इसका थीम रखा गया, किसका, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का मेन थीम क्या है वो आपको पता चल गया, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, जिसका मेन फोकस अडल्ट मेनली स्टूडेंट को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। ठीक है, आरबीआई के बारे में तो पता है सर, आरबीआई कब बना था, सर आरबीआई 1935 में बना था, जिसके लिए 1934 में एक्ट पास हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सी डी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 में। आरबीआई ने डीमोनेटाइजेशन करवाया, बिल्कुल करवाया, कितनी बार, आरबीआई ने 3 बार डीमोनेटाइजेशन करवाया, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, डीमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ है सर, 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में। पहली बार 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में हुआ था, तीसरी बार हम सब ने देखा 2016 में। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो 2016 के बाद पैदा हुआ हो, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे देश में 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है, कभी आ जाए ना कि डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कितनी बार हुआ, योर आंसर इज 3 times, फर्स्ट टाइम इन 1946, सेकेंड टाइम इन 1978, थर्ड टाइम इन 2016। आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी बार हुआ, 2 times, टोटल कितनी बार हुआ, 3 times, समझ गया ना। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला न्यूज आता है ये, शशि थरूर माने ताने ऑथर, माने तारे पॉलिटिशियन कांग्रेस के, शशि थरूर को मिला फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड।
जैसे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? योर आंसर इज भारत रत्न, है ना? इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जैसे भारत रत्न है, वैसे ही फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? चेवलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर, सिविलियन डी ला लेजेंड डी ऑनर। अब एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, सर ये बताओ कि जैसे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, पाकिस्तान का क्या है? कहता पाकिस्तान रत्न। मैंने कहा चाइना का क्या है? कह रहा चाइना रत्न। ऐसा थोड़ी ना होता है, सारों में रतन 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 जोड़ लो और तुम कहो कि वो ही देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होगा। नहीं, हमारे देश का भारत रत्न, पाकिस्तान का कौन सा है? निशाने पाक। तो हमारे देश और दूसरे देशों का अलग अलग है, ये नहीं कि रतन रतन जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। जैसे फ्रांस का पता चला, फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ठीक है? ये है, ये अभी हाल ही में किसको मिला है? शशि थरूर को। शशि थरूर को अभी हाल ही में फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है उनके पॉलिटिक्स करियर के कारण, उनके ऑथर जो माने ताने ऑथर हैं, जिस कारण से शशि थरूर को अभी हाल ही में फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया कि फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? आपका आंसर क्या होगा? शशि थरूर। फिर कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, सर इंडिया का सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला है किसी को? बिल्कुल, इस साल इंडिया का सिविलियन अवार्ड 5 लोगों को मिला है भारत रत्न। एक है कपूरी ठाकुर, जो बिहार के पुराने चीफ मिनिस्टर हैं। एक है लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और ये पीवी नरसिम्हा राव, इंडिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर। उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भी पुराने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फार्मर्स डे मनाते हैं जिनकी याद में। उसके साथ MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के भारत रत्न 2024 में, ठीक है, 2024 में भारत रत्न ये महान पर्सनैलिटीज के लिए है। तो याद रखना है, बहुत ही ध्यान से बार बार रिवाइज करवाऊंगा वैसे इनका नाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, ये पांचों कौन कौन है वो भी आप लोगों को पता चल चुका है। आगे बात करते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज आता है, अभी हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AS राजीव, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, उनको चुना है विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस विजिलेंस चल रहा है, सभी को पता है विजिलेंस कमिश्नर, है ना? विजिलेंस कमिश्नर मतलब जो विजिलेंस का जो हेड होता है वो विजिलेंस कमिश्नर है। अभी वो जो केजरीवाल वाला केस था, पता ही है सभी को, तो यही विजिलेंस वाले तो होते हैं, ठीक है? तो ध्यान से रखिएगा, इंडिया के चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया के CVC कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी हाल ही में कौन बने हैं, आपका आंसर AS राजीव। AS राजीव अभी हाल ही में बने हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी हाल ही में कौन बने हैं? AS राजीव बने हैं। अब विजिलेंस कमिश्नर पता चल गए, विजिलेंस कमिश्नर पता चल गए, तो उसके साथ साथ एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं CVC, एक होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जब यहाँ पर CVC का नाम पता चला तो आपको CIC का नाम भी पता होना चाहिए, CEC का नाम भी पता होना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले CVC का नाम कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर का नाम है AS राजीव। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम क्या है? हीरा लाल समारिया। ये कौन बन रहे हैं? इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम श्री राजीव कुमार है। तो याद रखिएगा, श्री राजीव कुमार इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? हीरा लाल समारिया। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? AS राजीव। तीनों के नाम आपको क्लियर हो चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी पता चल गया।
अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये इलेक्शन कमिश्नर ये भी तो हैं, इलेक्शन कमीशन। अरे सुनो, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना हमारे देश का वोट करवाने वाला, उसमें सबसे ऊपर की पोस्ट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके नीचे दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, और ये दो गणेश कुमार और जैनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुखबीर सिंह संधू और जैनेश कुमार। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। तीनों पता चल गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आप लोगों को पता चल चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ आप लोगों को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी क्लियर हो चुका है, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ साथ चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी क्लियर हो चुका है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है देखिएगा, बस छोटा सा न्यूज है। एक छोटा सा लड़का जो 8 सालों का है, जिसका नाम अश्वथ कौशिक है, अश्वथ कौशिक ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी है, यंगेस्ट प्लेयर बना है, यंगेस्ट प्लेयर बना है जिसने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया है। ग्रैंड मास्टर जिनका नाम जैकेट स्टोपा है, जैकेट स्टोपा, जैकेट स्टोपा जो पोलैंड के हैं, उसको हरा दिया है अभी अश्वित कौशिक ने, जो सबसे यंगेस्ट बने हैं ग्रैंड मास्टर को हराने वाले। ग्रैंड मास्टर पता है ना? अरे सर हमें पता है, आपने पढ़ाया था। एक होता है ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर होता है चेस में, ठीक है, चेस में होते हैं। एक होता है ग्रैंड स्लैम, याद है ना, ग्रैंड स्लैम, ये किस में होता है? टेनिस में, सभी को याद होगा। और एक होता है ग्रैंड प्री, ग्रैंड प्री किस में होता है? ये भी आपको पता है, ये होती है फॉर्मूला वन गाड़ियों की रेस, है ना, मर्सिडीज की, फरारी की। तो ग्रैंड मास्टर थे जो पोलैंड से थे, जिनका नाम जैकेट स्टोपा था, उसको अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन का एक लड़का अश्वत कौशिक ने हरा दिया है, अश्वत कौशिक ने। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस थोड़ा सा बताना चाहिए। अगले न्यूज पर चल रहे हैं। अगला न्यूज है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी हाल ही में कहां पर हुए। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 वाले 24 में हुए, ये गुवाहाटी आसाम में हुए, 2023 वाले 24 में हुए गुवाहाटी आसाम में, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। पिछले साल ये उत्तर प्रदेश में हुए थे, इस बार ये आसाम गुवाहाटी में हुए। कौन से? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, CU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। खेलो इंडिया कौन सी गेम्स है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, क्लियर है, याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन से थे? 2023 हुए, कब? 2024 में, कोविड के कारण ये 1 साल लेट चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर भी थोड़ा सा पैरेलल मिलाने का ट्राई चल रहा है, 23 वाले 24 में। 2023 वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी आसाम में हुए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, क्लियर। चलो, और एक और हमारा न्यूज आता है जो हमारा लास्ट न्यूज होने वाला है, नेशनल साइंस डे, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही। साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन की याद में मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे, जिसका इस बार का थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, जिसका इस बार का थीम रखा गया है। कौन सा डे है? साइंस डे। साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिस कारण से इन्हें 1930 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नोबल प्राइज मिला था। वर्ल्ड के सबसे बड़े अवार्ड कौन से हैं? नोबल अवार्ड। किसके नाम से दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल के नाम से जो वर्ल्ड में सबसे बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, नोबल प्राइज, 1930 में इन्हें नोबल प्राइज भी दिया गया था रमन इफेक्ट की खोज करने के कारण। इनकी याद में इंडिया में भी मनाया जाता है कौन सा डे? नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, जिसका थीम भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे इज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, क्लियर है। चलो,
सारे के सारे न्यूज अभी मैंने पढ़ा है जनवरी के वीक 4 के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए न्यूज के साथ फरवरी वीक 1। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। पीडीएफ आप लोगों को सभी को मिल जाएगी, ओके? उसमें से एक बार बस आपको रिवाइज करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।